चिप से चलेगा मस्क का दिमाग। ये चिप मस्क के दिमाग को और चालाक बना देगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम ये क्या बोल रहे हैं, भला चिप से कोई दिमाग कैसे चल सकता है, और अगर चिप से दिमाग चलता भी है तो चिप को एलन मस्क क्यों लगवाएंगे अपने दिमाग में। लेकिन ये सच है, खबरों की माने तो जल्द ही एलन मस्क अपने दिमाग में ब्रेन चिप लगवाने वाले हैं, जिससे उनका दिमाग और भी ज्यादा शातिर हो जाएगा। अब बताते हैं आपको कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। दरअसल SpaceX, टेस्ला और ट्विटर के अलावा मस्क की एक और कंपनी है जिसका नाम है न्यूरालिंक। और आपको बता दें कि न्यूरालिंक जो है न्यूरल इंटरफेस टेक्नोलॉजी पर काम करती है। अगर आसान सी भाषा में कहें तो ये कंपनी दिमाग से जुड़ी टेक्नोलॉजी पर काम करती है। पिछले कुछ दिनों से ये कंपनी चर्चा में है क्योंकि इस कंपनी ने एक कमाल का चिप बनाया है जो लोगों के दिमाग में इम्प्लांट किया जा सकता है। और कहा यह भी जा रहा है कि एलन मस्क अपनी कंपनी के बनाए हुए चिप को अपने दिमाग में भी लगवाने वाले हैं। वैसे आपको बता दें कि इस कंपनी ने जो चिप बनाया है इससे इंसानों की डिसेबिलिटी को दूर करने में मदद मिलती है। खास बात यह है कि मस्क खुद इस चिप को अपने दिमाग में लगवाना चाहते हैं और ये बात खुद उन्होंने कही है। न्यूरालिंक से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें एक बंदर अपने दिमाग की मदद से टाइपिंग करता है। मस्क की कंपनी लंबे वक्त से इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि न्यूरालिंक चिप होती क्या है। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड माइक्रोचिप है जो दिमाग की एक्टिविटी को रिकॉर्ड और रीड कर सकती है। इसकी मदद से लोगों की डिसेबिलिटी को दूर करने में मदद मिलती है। इस चिप की मदद से एक पैरालाइज शख्स अपने दिमाग का इस्तेमाल कर स्मार्टफोन यूज कर सकता है। यूजर्स दिमाग की मदद से हाथ से ज्यादा तेज फोन यूज कर सकेंगे। मस्क ने इस बारे में साल 2016 में बात भी की थी। न्यूरालिंक काफी वक्त से इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रही थी। पहले भी इससे जुड़ी कुछ डिटेल सामने आई थी। न्यूरालिंक ने पहले दिखाया था कि कैसे एक बंदर अपने हाथों का इस्तेमाल किए बिना ही पिंग पोंग गेम खेल रहा है। अब आपको बताते हैं कि ये चिप काम कैसे करती है। कंपनी की माने तो ये चिप अपने दिमाग में आने वाले विचार को पढ़ सकती है। यहाँ तक कि जिसके दिमाग में ये चिप लगी हो वो शख्स बिना कुछ बोले मशीनों से बातचीत भी कर सकता है। फिलहाल इसकी मदद से यूजर स्मार्टफोन और कंप्यूटर जैसे बेसिक डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं। इस चिप को लेकर मस्क ने कहा है कि हम इसे लेकर बेहद सावधान रहना चाहते हैं और ये भी कि इंसान के दिमाग में लगाए जाने से पहले ये ठीक तरह से काम करे। मस्क ने यह भी बताया कि अगले 6 महीने में हम किसी इंसान के दिमाग में न्यूरालिंक इंस्टॉल कर सकेंगे। कंपनी की माने तो ये टेक्नोलॉजी पैरालाइज, नेत्रहीन, मेमोरी लॉस और न्यूरो संबंधित समस्याओं में लोगों की मदद करेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मस्क ने ऐसा कहां कहा है कि वो ये चिप लगवाना चाहते हैं। दरअसल एशली वेंसे के एक ट्वीट के रिप्लाई में उन्होंने जानकारी दी, यानी मस्क ने अपने दिमाग में एक ऐसे चिप को इम्प्लांट कराने की बात कही है। एलोन ने एक ब्रेन इम्प्लांट का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि वो डेमो के दौरान एक चिप अपने दिमाग में लगवाएंगे, क्योंकि अभी इसके रिजल्ट सामने नहीं आए हैं इसलिए अभी उन्होंने चिप इम्प्लांट नहीं कराया। इसके जवाब में मस्क ने हाँ लिखा है। तो दोस्तों, इस खबर के सामने आने के बाद आप भी यही सोच रहे होंगे जो हमारे दिमाग में चल रहा है। वैसे मस्क का दिमाग ऑलरेडी बहुत तेज चलता है, उनके दिमाग में ऑलरेडी खुराफाती आइडियाज आते रहते हैं, लेकिन ये चिप लगवाने के बाद अब सोचना होगा, देखना होगा कि मस्क का दिमाग अब कैसे चलेगा। आप देख रहे हैं N27 News, पकड़ हर खबर पर।